Hello guys and welcome back to our YouTube channel. And how are you guys? First of all, sorry video late आने के लिए. तो आज हम review करने वाले हैं 2020 में आया एक और जबरदस्त anime जिसका नाम है Glipman. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. ग्लिपनिर, अगर बात करें इस एनीमे की तो ये सुन टकेड़ा की मांगा ग्लिपनिर की एनीमे एडेप्टेशन है. ये एक एक्शन मिस्ट्री ड्रामा और एचए एनीमे है जिसे पाइन जैम स्टूडियोज ने एनिमेट किया है और काजू हीरो योनेडा ने डायरेक्ट किया है. बात करें इसकी स्टोरी की तो शुइची कागाया एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट, बट कभी कभी वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. लेकिन शुइची को मालूम नहीं कि उस वो मॉन्स्टर में कैसे और क्यों ट्रांसफॉर्म होता है और वो उस पावर्स के बारे में किसी को भी पता नहीं चलने देना चाहता है या सीक्रेट रखना चाहता है. फिर एक रात वो देखता है एक बिल्डिंग में आग लगी है और उसमें एक लड़की फंसी है. तो शुइची उसे बचाने के लिए जाता है. मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होकर शुइची उस लड़की को बचा लेता है लेकिन गलती से अपना फ़ोन गिरा देता है. उसके अगले दिन जिस लड़की को उसने बचाया क्लेयर ओकी शुइची के फ़ोन के मदद से उसे ढूंढती है और फ़ोन रिटर्न करने के लिए स्कूल रूफ पे बुलाती है और शुइची के मॉन्स्टर आइडेंटिटी के बारे में कन्फ्रंट करती है. लेकिन जब शुइची ऐसे दिखाता है उसे कुछ मालूम नहीं तब क्लेयर उसे स्कूल रूफ से पुश कर देती है. खुद को बचाने के लिए वो ट्रांसफॉर्म होता है और क्लेयर एक फ़ोटो क्लिक कर लेती है शुइची को ब्लैकमेल करने के लिए और उसे मॉन्स्टर के बारे में जितना भी मालूम है वो पता करने के लिए, जो इनफैक्ट शुइची खुद भी नहीं जानता था. हावेवर क्लेयर का खुद का सीक्रेट होता है. अब वो सीक्रेट क्या है और शुइची एक मॉन्स्टर में क्यों और कैसे ट्रांसफॉर्म होता है ये जानने के लिए आपको एनीमे देखना पड़ेगा. गाइस सही में ये एनीमे बहुत अच्छा है. जिस तरह इसकी स्टोरी आगे बढ़ती है वो देखने में मज़ा आता है. इसके बस 13 एपिसोड्स है इन इंग्लिश सब और इसकी स्टोरी कंप्लीट नहीं है. इसकी मांगा 2015 से अब तक ऑनगोइंग है और टोटल 54 चैप्टर्स के साथ, तो इसके आगे भी सीजन्स आएंगे. माय एनीमे लिस्ट पर इसका स्कोर 7.8 का है. इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है. अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं इसे 7/10 की रेटिंग दूंगा. इसका एनिमेशन स्टोरी एंड कैरेक्टर्स के लिए और 3 पॉइंट्स कम क्योंकि शुइची का सिर्फ मॉन्स्टर फॉर्म ज़्यादा दिखा है और थोड़ा बहुत टाइम पास भी है. मुझे इसकी स्टोरी देखने में मज़ा आया था और एनिमेशन भी अच्छा था. अगर बैक स्टोरी की बात करें तो ज़्यादा नहीं दिखाई लेकिन जितना दिखाया उससे अंदाज़ा हो जाता है कि बैक स्टोरी क्या हो सकती है. इसे मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा. इसके कुछ एपिसोड देख के इसे ड्रॉप मत करना क्योंकि मुझे इसने कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं किया था. तो गाइस आज के लिए बस इतना ही. आप इसे ज़रूर चेक करना, जाते जाते वीडियो को लाइक करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना. तो बाय बाय गाइस, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में.